इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अपनी पत्नी से बेपनाह प्यार करने वाले टीवी एक्टर कुशल पंजाबी ने पत्नी से दूर होने के बाद तलाक जैसे कड़वे रिश्ते के सच को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही जिंदगी से पीछा छुड़ाकर अपने दर्द से पीछा छुड़ाने का जो तरीका आजमाया उससे फिलहाल परिवार और परिचित सभी दुखी हैं। लेकिन क्रिसमस जैसे त्यौहार पर भी जब कुशल अकेले थे, जब इस त्यौहार पर भी वो दुखी रहे, जब इस त्यौहार पर भी उन्होंने अपने परिवार वालों के बिना अकेले में ही खुद को चार दीवारी के अंदर कैद कर वक्त गुजारा, तो सब समझ चुके थे कि कुशल वाकई तकलीफ़ में है। लेकिन अपनी अपने ज़िंदगी में व्यस्त लोगों के बीच कुशल अपने पारिवारिक रिश्तों से भी दूर जा चुके थे, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। माँ बाप को जब एहसास हुआ कुशल तकलीफ़ में है, बेचैनी बढ़ी और उन तक पहुँचने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। निधन से पहले अपने बेटे और पत्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा तरस रहे थे कुशल, उनसे मिलना चाहते थे, उनसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी और रिश्ता बनाए रखना चाहते थे वो। तभी तो क्रिसमस के मौके पर इस साल उनका एक भी पोस्ट ना शेयर करना कर रहा है इशारा कि लास्ट ईयर के क्रिसमस, लास्ट टू लास्ट ईयर साल 2018 के क्रिसमस की यादें उन्हें अंदर से खोखला कर चुकी थी और इतने वो कमज़ोर पड़ गए थे कि अपनी माँ प्रिया पंजाबी, बहन रितिका पंजाबी और अपनी पत्नी टूटी के साथ बिताए हुए वक्त को याद कर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।